आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में टैक टो गेम सी प्लस प्लस बनाने जा रहे हैं तो लेट स्टार्ट सबसे तो तो पहले हम लोग फाइल ऐड करेंगे आयोस्ट्रीम नेम स्पेस एंड देन हम अपना बनाते हैं ओके okay, तो ये स्टेप्स करने के बाद हम एक इधर फंक्शन बनाते हैं टेबल नाम का टेबल इसके अंदर हम अपना टेबल प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम करवाते हैं जी ओके okay, तो इस तरह का आपने बना लेनी एक लाइन ये हमारी टॉप लाइन होगी उसके बाद हमने नीचे ओके तो हम अपना इतना कोड जो है उसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है सबसे पहले हम अपने टेबल फंक्शन को कॉल करते हैं ये क्या करेगा हमारा जो है ये टेबल बनाएगा टेबल को प्रिंट करवाएगा हम ऐसा कहते हैं कि इसके इधर इधर स्पेस एक एक दे देते हैं जिसकी वजह से जो है वो ठीक तरीके से प्रिंट हो गया टेबल हमारा ओके okay, तो अब हमारा टेबल जो है वो अच्छे तरीके से प्रिंट हो रहा है अब हम इधर क्या करते हैं हमारा टेबल जो है वो ऊपर कोने में प्रिंट हो रहा है हम यहाँ पर थोड़ी सी एन लाइन्स लगा देते हैं ताकि जो है वो हमारा टेबल जो है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाए और हर लाइन के शुरू में अपने स्लैश टी लगा देना है तीन तीन दफ़ा जिसका ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा साइड की बजाय सेंटर में आ जाएगा अब इसको आपने डुप्लिकेट कर लेना है ये हमारी तीन हो गई इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब हम देखते हैं अपना टेबल किस तरह का दिख रहा है ये देखें ये आपने पहले टेबल का कोड लिख लेना है इतना कोड ओके तो यहाँ तक हमारा टेबल प्रिंट हो गया है। अब हमने जहाँ पे ज़ीरो रखा था ना अब हम एक बनाएंगे क्या करें ग्लोबल बनाएंगे हम लोग कैरेक्टर टाइप का एरे ये टोटल हमारे पास कितने हैं नाइन है ना तो हम नाइन नंबर का एरे बना लेंगे मीन्स के ऊपर वाली टॉप लाइन में थ्री आ रहे हैं फिर नीचे थ्री फिर नीचे थ्री, थ्री नाइन है टोटल तो हम नाइन नंबर्स का बना लेंगे और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है अब हम क्या करेंगे इन एक हम बनाएंगे फंक्शन इनिशियलाइजर का वाइड इनिशियलाइजर ये हमारा क्या करेगा ये हमारे जो है फंक्शन जितने भी हमारे एरे हैं उनके अंदर स्पेस से उनको इनिशियलाइज करवा देगा मतलब हम एक लूप लगाते हैं नाइन से लेवन चलेगा अब हम क्या करते हैं इनको करते हैं कि एरे ऑफ आई इज़ इक्वल टू और एरे में स्पेस रखवा देगा ये आ रहा, रहा है अच्छा सॉरी इनके ऊपर सिंगल आता है ये कॉमा अब हम क्या करेंगे ये जो है ये सबसे पहले हम अपने इस फंक्शन को कॉल किया करेंगे जब भी हमारा जो है वो स्टार्ट होगा ओके okay, तो फिर हम इधर मेन में इनिशियलाइजर फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेंगे इनिशियलाइजर के स्पेलिंग गलत है इधर मैं इनिशियलाइजर के स्पेलिंग दोनों में ठीक कर लेता हूँ कॉल में इनिशियलाइजर का फंक्शन क्या करेगा कि हर एरे में स्पेस रखवा देगा अब हमने जहाँ पे जीरो जीरो रखवाया था वहाँ पर हम एरे रखवा देंगे सबसे पहले हमारा एरे कौन सा आएगा एरे ज़ीरो फिर वन फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह आएंगे पहले हम इधर का करते हैं उधर आएगा अरे ज़ीरो इधर आएगा अरे ऑफ वन ठीक है इधर आएगा अरे ऑफ ज़ीरो इसको हम ऐसे रहने देंगे एक नया इधर बना लेते हैं अरे ऑफ ज़ीरो स्लैश हमने कॉमा के अंदर ही रहने देना वरना वो वर्क नहीं करेगा एरे ऑफ ज़ीरो अरे ऑफ वन और इधर आएगा हमारा इस स्लैश एन को भी हमने इसके अंदर रहने देना है एक इधर न्यू बना लेते हैं एरे ऑफ टू ज़ीरो वन टू ऊपर फिर इसी तरह ये नीचे से नीचे जाता जाएगा अब हमने सारे एरेज रखवा दिए उधर अब हम जब रन करेंगे तो हमारा जिधर ज़ीरो प्रिंट हो रहा था उधर स्पेसेस आएंगी खाली हमारा प्रिंट होगा ये हमारा टेबल ख़ाली आ रहा है हम स्पेस की जगह क्या करते हैं कि उधर स्पेस की जगह पे डॉट रखवा देते हैं ताकि कुछ तो नज़र आए अब ये आ गया अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वैल्यू लगाते हैं ट्रो ये ट्रो रहेगी जब तक हमारी गेम जो है वो विन नहीं हो जाती इधर हम एक बोल्ट बनाते हैं बोल रो विन, ये हमारा ट्रू रहेगा नॉट वो है इधर हम लिखवा देते हैं नॉट, नॉट वे जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक हमारी वायलूक चलती रहेगी जब तक, तक जीतेगा नहीं अब हम क्या करेंगे इधर सबसे पहले टेबल को कॉल करेंगे और फिर हम क्या करेंगे इधर वैल्यू लेंगे यूजर से अब हम लोग क्या करेंगे इधर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे सिलेक्ट बॉक्स और एक इधर हम इंटीजर रख लेते हैं बॉक्स इन बॉक्स ही रख लेते हैं सिंपल जब ये इधर आगे सिलेक्ट बॉक्स के इधर हम बॉक्स की वैल्यू लेंगे User से एंड देन जो भी वो बॉक्स की वैल्यू देगा हम उसको अपडेट करेंगे अपडेट अब किस तरह करेंगे अब पहले हम इधर प्लेयर्स की एक इधर रखते हैं प्लेयर बॉक्स और एक प्लेयर इंटीजर की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेगा जब ये पहले पहले प्लेयर मारा होगा वन सिलेक्ट बॉक्स इधर हम करते हैं प्लेयर इधर हम कहेंगे प्लेयर वन सिलेक्ट बॉक्स ये मैसेज प्रिंट होगा प्लेयर वन सिलेक्ट बॉक्स का मैसेज प्रिंट होगा और देन ये क्या करेगा बॉक्स की वैल्यू लेगा अब हम इसको रन करके देखते हैं प्लेयर वन सेलेक्ट बॉक्स स्पेसिस का इशू आ रहा है इधर स्पेस देते हैं एंड दैन इधर स्पेस देते हैं इधर हम वन नहीं लिखेंगे इधर हम लिखेंगे प्लेयर जिस प्लेयर की बारी होगी उस प्लेयर को ये कह गया कि एंट्रो वैल्यू इफ प्लेयर इज इक्वल टू वन अगर प्लेयर वन की बारी है तो अरे बॉक्स माइनस वन इज इक्वल टू x प्लेयर वन के लिए हम x रखेंगे और प्लेयर टू के लिए हम o रखेंगे और जब प्लेयर वन जो भी बॉक्स सेलेक्ट करेगा उसकी जगह पे x आ जाएगा देखें हमारे इंडेक्सेस होते हैं जीरो टू तो एट हमने नाइन नंबर गहरे बनाए हैं लेकिन जो प्लेयर होगा वो वन टू तो नाइन बॉक्स सेलेक्ट करेगा उसे नहीं पता कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है जिस तरह भी उसने वन टू तो नाइन सेलेक्ट करने हैं तो हमने इस वजह से यहाँ पे माइनस वन किया है प्लस वन करेंगे हाँ माइनस वन ही रखेंगे अगर प्लेयर ने बॉक्स वन सेलेक्ट किया है तो बॉक्स वन हमारा जो है वो उधर इंडेक्स ज़ीरो पड़ा हुआ है इस वजह से हम क्या करेंगे इसमें से एक माइनस कर देंगे और फिर ये क्या करेगा एक फंक्शन होता है सिस्टम सी ये क्या करेगा ये क्लियर स्क्रीन करवा के दोबारा टेबल शुरू से प्रिंट करवाएगा अगर प्लेयर वन है तो ये करवा दे फिर हम क्या करेंगे एल जेफ प्लेयर जो है वो हमारा टू है तो ये क्या करे ओ प्रिंट करवा दे उसकी जगह पे ओ को सेट कर दे अब हम देखते हैं इसको रन करके प्लेयर वन सेलेक्ट बॉक्स में बॉक्स नंबर वन सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ उधर एक्स आ गया अब प्लेयर वन ही आ रहा है तो हमने यहाँ पर एक और सिस्टम करना है कि अगर वो प्लेयर वन की पहले टर्न थी तो ये क्या कर देगा प्लेयर को टू कर देगा जब प्लेयर वन की बारी आई थी और जब प्लेयर टू की बारी टू होगी तो ये क्या कर देगा प्लेयर को वन कर देगा जिससे प्लेयर्स की जो बारियाँ हैं वो शिफ्ट होती रहेंगी बार बार अब आ रहा है प्लेयर वन सेलेक्ट बॉक्स में वन बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ हु, प्लेयर टू सेलेक्ट बॉक्स में फाइव करता हूँ उधर वो आ गया है प्लेयर वन सेलेक्ट बॉक्स मैं टू करता हूँ फिर मैं कर देता हूँ फोर और कर देता हूँ थ्री अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब ये देखो प्लेयर टू की बारी है प्लेयर टू अगर दोबारा टू सेलेक्ट करता है तो उधर हुआ आ जाएगा हमने यहाँ पे क्या करना है एक चेक लगाना है यहाँ पर एक इसके ऊपर चेक लगाएंगे एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें बताएगा कि पहले उधर कुछ है या नहीं है वाइड एमपटी चेक कि वो जो हमारा इंडेक्स है वो एम्प्टी है कि उधर कोई पड़ा हुआ है पहले से फील हो गया इधर हम क्या करेंगे एम्प्टी चेक और इधर हम क्या करेंगे एंड बॉक्स अब हम इधर करते हैं इफ एरे ऑफ इन बॉक्स माइनस वन ये माइनस वन में क्यों कर रहा हूं इंडेक्स को इक्वल करने के लिए बॉक्स माइनस वन इज इक्वल टू इन डॉट रिटर्न थ्रू ये एरर दे रहा है इधर हमने नहीं इधर हमने रखना है बोल ठीक है रिटर्न टाइप हमने इसकी बोल रखनी है जिससे ये क्या करेगा हमें बता देगा कि अब ये एम अगर होगा अगर उधर डॉट पड़ा हुआ है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा एल्स रिटर्न फॉल्स अब हम इधर क्या करेंगे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे इफ इधर हम क्या करेंगे एम्प्टी चेक ये एम्प्टी चेक फंक्शन को कॉल करेगा अगर वो एम पटी हुआ इसको हम बॉक्स जो है वो पास करवा देंगे जो भी बॉक्स यूज़र ने सिलेक्ट किया है अगर वो एम्प्टी हुआ तो ये क्या करेगा इसको रन करवा देगा इसकी ब्रैकेट्स में मैनेज कर लेता हूँ ये जो है ये हमने उतनी देर दे तक जब तक वो सही बॉक्स सिलेक्ट नहीं करेगा उतनी देर तक प्लेयर्स की जो है वो भी नहीं शिफ्ट होंगी बारियाँ भी और वैल्यूज़ भी नहीं चेंज करेगा अब इसको रन करके देखते हैं प्लेयर वन इसने वन बॉक्स सेलेक्ट किया है फिर प्लेयर टू तो ने वन किया है नहीं चेंज होगा प्लेयर टू की बारी है अभी भी अब प्लेयर टू तो टू तो सेलेक्ट करता है ठीक है अब प्लेयर वन भी अगर टू तो सेलेक्ट करता है तो नहीं चेंज होगा प्लेयर वन की बारी रहेगी जितनी देर तक वो सही नहीं करेगा वन या टू में से कोई और करेगा तब तक ये दोबारा उसी से वैल्यू लेता रहेगा अब उसने कर दिया फोर ठीक है अब उसने कर दिया जी फाइव और इसने कर दिया सेवन प्लेयर वन ने ये लाइन बन गया अब इसको चाहिए कि ये विन करे लेकिन ये विन नहीं कर रहा अब हम क्या करेंगे एक इधर फंक्शन बनाते हैं विन चेक का विंग चेक वाइड इसको भी हम रखेंगे bold, बोल्ड विंग check, ओके okay, तो जब हम लोग अपना विंग check का फंक्शन बना लेंगे तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ना एक लगाएंगे फॉर एक फार्मूला बनाने लगा हूँ जो चेक करेगा कि विन हुआ है या नहीं ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और चलेगा थ्री तक ठीक है इसमें मैं क्या करूँगा एफ़ आपको भी समझाता हूँ कैसे फार्मूला वर्क करेगा एफ़ एरे ऑफ आई आई हमारा क्या है ज़ीरो इज़ इक्वल टू ओ एंड अगर हमारा एरे ऑफ आई ज़ीरो और वन और टू मीन्स के ऊपर वाली सारी रो के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो अगर ओ के इक्वल हैं तो ये क्या कर दे विन को ठीक थ्रू कर दे अब इसी तरह मैं एरे ऑफ आई एरे ऑफ आई प्लस वन इज़ इक्वल टू ओ एंड एरे ऑफ आई प्लस टू इज इक्वल टू ओ ये हमारी हो गई ओ के लिए कंडीशंस और इसी तरह हम लगाएंगे एक्स के लिए सेम कंडीशंस ये जहाँ पे ओ है वहाँ पे हम क्या कर देंगे एक्स एक्सप्लेस सेम से सेंटर में और लगा देना ये वाला जो दो लाइनें होती हैं सेंटर में और लगा देना और इधर एक्स के लिए और और के इधर ओ के लिए कंडीशन लगा देनी है ये क्या करेगा पहले i हमारा ज़ीरो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि for i इज़ लेस देन है नाइन कर देते हैं और i प्लस प्लस की जगह i प्लस इज इक्वल टू थ्री आई में तीन ऐड करेंगे ठीक है ये हमारा क्या करेगा पहले आई ज़ीरो है ज़ीरो वन टू ज़ीरो प्लस वन वन है और ज़ीरो प्लस टू टू है ये हमारा पहले ज़ीरो वन टू के लिए चेक करेगा फिर जब आई की आई में तीन ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो से आई सीधा थ्री पे फिर ये थ्री फोर फाइव के लिए चेक करेगा फिर इसी तरह फाइव सिक्स सेवन एट इन तीनों के लिए ये तीनों रो हो गई हमारी और अब कॉलम के लिए फॉर uh, अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या कर दे रिटर्न टो और इसी तरह हम क्या करेंगे इफ एरे ऑफ आई अब देखो ये था हमारा जीरो वन टू मीन्स के आई में प्लस वन किया तो वन बन गया प्लस टू किया तो टू बन गया लेकिन अगर हमारा आई जीरो है तो उसमें कितने प्लस करेंगे तो वो थ्री बनेगा थ्री अरे प्लस थ्री प्लस सिक्स ठीक है पहले में हम क्या रखेंगे अरे आई ठीक है ज़ीरो वाला इसी कोल तो इस, इसी को ना मैं कॉपी करता हूँ इतने को और इधर रख लेता हूँ आई फिर ये आई प्लस वन की जगह मैं कर क्या कर दूँगा थ्री और टू तो की जगह कर दूँगा सिक्स सॉरी ये जो है ये हम अलहदा लूप में रखेंगे ये इस लूप में नहीं चलेगा इसको हम एक अलहदा रूप में रखेंगे और रूप एक और बनाते हैं इसके अंदर हम इसको रखेंगे ये भी जब तक हमारा नाइन से छुपता है ये बस तीन दफ़ा चलेगा ये सिंपल ऊप चलेगी आई आई प्लस थ्री और आई प्लस सिक्स और इसी तरह सेम वो यही कंडीशन जो हैं वो एक्स के लिए और के उस साइड पे इधर हम एक्स के लिए कंडीशन लगा देंगे ये क्या करेगा हमारा पहले आई ज़ीरो है ओख ओखा ओखो ये हो ही रहेगा ये तीनों एक्स हो गए ये क्या है कि पहले हमारा आई ज़ीरो है और आई प्लस थ्री मीन्स के थ्री और आई प्लस सिक्स सिक्स वाला ये वाले तीनों जीरो थ्री सिक्स फिर जब हमारा आई वन हो जाएगा आई प्लस थ्री फोर पे और आई प्लस सिक्स सेवन पे चला जाएगा इसी तरह ये तीनों के लिए चेक कर लेगा कि अगर ये इक्वल हैं तो रिटर्न क्या कर देगा ट्रू इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर ठीक हो गया अब अगर ये रिटर्न ट्रू नहीं करता अब ये हमारा हो गया रोज़ और कॉलम्स के लिए अब हम क्या करेंगे क्रॉस जो होती हैं हमारी दो विन की कंडीशन जैसे एक तो हमारी होगी तीन ये होगी हॉरिजॉन्टल तीन वर्टिकल और दो हमारी क्रॉस में भी हो सकती हैं टू फोर और सिक्स अगर इस तरह सेम है तो भी वो जीत जाएगा अगर इस तरह सेम है तो भी हम इधर क्या करेंगे इफ़ इधर हम लगाएंगे array of zero is equal to O and इसी को कापी करते हैं इधर एंड एक लगेगा array of zero four and eight ये अगर हमारे उसके इक्वल जीरो ओके तो भी जीत जाएगा और ये अगर एक्स के इक्ल हो तो भी जीत जाएगा इधर हम तीनों में एक्स कर देंगे एक्स और ओ के होंगे तो ये जीत जाएंगे इसी को हम कॉपी करते हैं इधर पहले ट्रो कर देते हैं रिटर्न जो इसी तरह हम क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं इधर ज़ीरो फोर और था इस दफ़ा होगा टू तो फोर और सिक्स टू तो फोर और सिक्स ये देखें टू फोर सिक्स ज़ीरो फोर एट इन द, तीनों के लिए कंडीशन हो गई अगर ये ट्रू नहीं होती तो रिटर्न फॉल्स कर दे अब ये हमारा विंग चेक को अगर हम क्या करें कि ये जो है ना नॉट विंग इज इक्वल टू ट्रू इसको अगर हम इधर ना लिखें इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं विन चेक फंक्शन इधर कॉल कर दे और विन चेक जो है अगर वो जीता नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा और लूप चलेगी नहीं इसलिए हम शुरू में नॉट लगा देंगे कि अगर वो फॉल्स रिटर्न करवा रहा है तो ये चले अदरवाइज ना चले इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको हम काट सकते हैं ये क्या करेगा हमारा चेक करेगा कि अगर वो जीता है तो ठीक है अगर नहीं जीता अब मैं इसको करता हूँ रन और चेक करते हैं कि क्या करता है अब आ गया प्लेयर वन की टर्न प्लेयर वन सेलेक्ट बॉक्स ये वन करता है अब प्लेयर टू टू करता है प्लेयर वन जो है वो करता है जी फोर ये थ्री कर लेता है और वो करता है जी सेवन ठीक है अब ये विन हो गया और वो से बाहर आ गए अब इसी तरह हम क्या करते हैं उस लूब से जैसे ही बाहर आए तो क्या करते है? सी आउट प्लेयर जो भी प्लेयर जीता होगा उसका काम इतना नंबर प्रिंट करवाएंगे प्लेयर विन विन ठीक है इधर हम कर देंगे दो तीन लोग सिलेक्शन और ये मैसेज प्रिंट करवा देगा कि जो भी प्लेयर जीता होगा आप लोग देखते हैं इसको रन करके वन टू थ्री फाइव और इधर ये कर देता है जी फोर और वो करता है जी एट प्लेयर वन विन दिखा रहा है जबकि प्लेयर टू जीता है इसकी वजह क्या है कि जैसे ही वो प्लेयर टू किसने एंट्री की लास्ट वाली एट में ओ उसने प्रिंट किया तो प्लेयर को वन पे शिफ्ट कर दिया है। अब उम्मीदर क्या करेंगे दोबारा इन प्लेयर्स को रिवर्स कर देंगे कि अगर प्लेयर जो है वो वन है तो उसको क्या कर दे प्लेयर इज इक्वल टू टू एल्स प्लेयर इज इक्वल टू थ्री और oh, ठीक कर रहा हूँ वन अब ये ठीक मैसेज प्रिंट करवाएगा अब मैं क्रॉस करके चेक करता हूँ जी और अब ये करेगा जी फाइव और अब ये करेगा जी सेवन प्लेयर वन विंस ठीक है अब हम क्या करेंगे कि जब ये नाइन के नाइन बॉक्सेस फिल हो जाए एक और भी कंडीशन आ सकती है यहाँ प्लेयर वन जीता है यहाँ प्लेयर टू और अगर एक अलहदा कंडीशन आ जाए कि विद ड्रॉ हो जाए अगर विद ड्रॉ हो जाए तो ये क्या करें इधर हम एक लगाते हैं कंडीशन इधर हम एड कर देते हैं रिटर्न ज़ीरो विद्रॉ के लिए हम कौन सी कंडीशन एक और फंक्शन बनाते हैं विदड्रो चेक अब जैसे ये एमपटी चेक करना है इसी तरह हम एक बनाते हैं विदड्रॉ चेक बोल टाइप का बोलो विदड्रो सिंपल इसका नाम रख लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे ये क्या करेगा ज़ीरो टू नाइन चलेगा If, ये हर एक को चेक करेगा कि अगर वो एरे जो भी है आई के ऊपर अगर ज़ीरो वन टू टू एट अगर वो नॉट इक्वल टू डॉट है अगर वो सारे डॉट नहीं है नहीं ये नहीं हम करेंगे इफ नॉट इक्वल टू डॉट अगर वो सारे अगर वो डॉट नहीं है तो ये क्या कर देगा इधर हम क्या करते हैं एक इंटीजर टाइप बनाते हैं काउंटर जो कि स्टार्ट होगा जीरो से काउंटर प्लस प्लस ये काउंटर को प्लस प्लस करता जाएगा पहला गलत हुआ पहले में जो है वो डॉट नहीं था प्लस प्लस कर दिया दूसरे में भी नहीं था प्लस प्लस कर दिया तीसरे में भी इसी तरह नौ दफा वो चेक करेगा अगर नौ के नौ में डॉट नहीं था तो ये क्या कर देगा काउंटर की वैल्यू नौ हो जाएगी मीन्स के सभी में वैल्यू आ गई है ना कोई जीता है ना कोई जीता कोई भी नहीं है लेकिन जो है वो सभी में वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये क्या कर देगा विद्रॉ का मैसेज प्रिंट करवा देगा अब हम इधर क्या करेंगे इफ़ काउंटर इज़ इक्वल टू नाइन अगर वो नाइन है तो ये क्या करेगा रिटर्न थ्रो तो, ये थ्रो को रिटर्न करवा देगा <coughs> अब मैं क्या करूँगा एल्स ए रिटर्न फॉल्स ये एल्स नाम भी लगाएँ तो चल जाएगा एल्स रिटर्न फॉल्स ही कर देगा अगर वो काउंटर हमारा नाइन हो गया तो ये कह देगा कि विद्रॉ हो गया ट्रू है अगर वो नहीं होता तो ये कह देगा कि विदड्रॉ नहीं हुआ अब मैं देखता हूँ कि इसी में हम क्या करेंगे विदड्रॉ के फंक्शन को कॉल कर देंगे इफ़ड्रॉ इसको हम सिस्टम सी से नीचे कॉल करेंगे ताकि वो क्लियर स्क्रीन करके विदड्रॉ का मैसेज प्रिंट करवा देफ विदड्रॉ अगर वो ड्रो रिटर्न कर रहा है तो क्या कर हैं सी आउट विद्रो नहीं सॉरी ड्रॉ होता है कि मैं विदड्रॉ लिखता हूँ कब से ड्रॉ ड्रॉ होता है क्या पता नहीं सॉरी इधर हम फंक्शन का नेम भी ड्रॉ रखते हैं सी आउट ड्रॉ इसके अंदर हम और दो तीन एंड डाल देते हैं ताकि वो अब हम इसको करते हैं चेक के अगर ड्रॉ हो जाए तो ड्रॉ का मैसेज प्रिंट करवा देगा और गेम से एंड हो जाएगा रिटर्न जीरो फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा अब हम देखते हैं इधर पहला वन कर रहा है तो दूसरा फोर फिर टू फाइव फिर ये सिक्स कर रहा है और ये थ्री कर रहा है ठीक है अब प्लेयर वन की बारी है ये कर रहा है सेवन प्लेयर टू कर रहा है जी एट ये कर रहा है जी नाइन ड्रा ठीक है ड्रा का मैसेज प्रिंट करवा दिया कोई भी नहीं जीता ओके अब हम इधर थोड़ा सा इसको के मैसेज क्यों ना सेंटर में ले आते हैं ये करेगा सेंटर में का मैसेज प्रिंट करवाएगा अब आज तक के लिए इतने था हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी है बाय बाय अल्लाह हाफिज़